Hey guys, welcome back to another day, another video with Roland Field Hunter 350. आज की वीडियो guys, Hunter 350 के एक साल के इम्प्रेशन, प्रोग्रेस और इम्प्रेशन पे है। Hunter 350 ने मेरा साथ पूरे एक साल तक दिया है guys, इसने। अब आज की वीडियो में आप करेंगे इसके इंजन की बात, इसके शॉकर्स की बात, इसकी सर्विस की बात, इसकी ओवरऑल सारी बातें ही करेंगे, क्योंकि Hunter 350 में मेरी भी कोई भी डिटेल वीडियो नहीं है। ये पहली वीडियो होगी, वो तो वैसी नॉर्मल वीडियोस हैं। आज की वीडियो पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी गाइस। Hunter 350 में कल मैंने ल्यूब यानी कि तेल लगवाया चैन में, बड़ी आवाज़ कर रही थी। कल लगवाया मैंने, एक बार मैं तो इसकी तीन सर्विस करवा चुका हूँ। तीन सर्विस के बाद इसकी क्या हालत है, क्या नहीं है, वो सब बात करेंगे। कहाँ कहाँ से क्या क्या लीक हो रहा है, कहाँ कहाँ से क्या क्या लीक नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ से हो सकता है, सारी बातें आज करेंगे गाइस। और ये कैसे चलता है, क्या फील है, सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द टैंक ऑफ दिस Hunter 350। टैंक गाइज, रॉयल एनफील्ड Hunter 350 ने बहुत अच्छा बनाया है। रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा बनाया है। टैंक की क्या बात करूँ मैं, टैंक इसका 13 लीटर का है गाइज, और ये कभी भी फुल होता नहीं है। टैंक इज़ लाइक अ कुआ, जितना भी डालो उतना कम है, इसमें जितना भी तेल डालो उतना कम ही है गाइज कभी भी। और तेल की बताऊंगा आपको, तेल जितना मर्जी डलवा लो, मीटर जब तक सही नहीं होगा ना, तेल का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दिल को एक सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी कि आपकी सुई फुल पे है, इसका मीटर टोटल वेस्ट। मीटर कभी सही नहीं हुआ इसका, कोई बात नहीं। बाइक की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। टैंक इसका 13 लीटर का है, इसके टैंक में बहुत जान है। और जब राइडर बैठ के ऐसे प्रॉपर जब फील लेता है ना बाइक, तब ये टैंक का व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में दिखाया भी है जो टैंक का व्यू है इसके, और जो इसके स्टेयरिंग का, मतलब जो इसके हैंडल का व्यू है, स्टेयरिंग तो क्या बोल रहा हूँ, जो इसके हैंडल का व्यू है वो बस अब देख लेना, मैंने वीडियो में लगा दिया होगा, बहुत बढ़िया है। टैंक के बाद चलते हैं अपन इसके इंजन में। इंजन रॉयल एनफील्ड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है गाइस, इंजन में इसके बहुत जान है। इंजन तो ऐसे है जैसे कि एक रॉकेट का इंजन लगा रखा हो, बट गर्म, हीट बहुत कर जाता है। फर्स्ट गियर में ही इतनी हीट कर जाता है। अगर आपको 500 मीटर भी जाना है तो ये हीट ऐसे करेगा कि आप 500 किलोमीटर चल चुके हो इस बाइक से, इतनी हीट करेगा। हीटिंग के निशान मैं दिखाता हूँ आपको। इंजन की हालत कुछ ऐसी है गाइस इसकी, एक साल कुछ महीने हो चुके हैं मुझे बाइक लिए को, और इंजन ऐसा है। और ये इंजन के निशान देख लो गाइस, ये निशान हीटिंग के निशान है, ये इतना गर्म हो जाता है। ये कोई चीज़ गिर गई होगी इस पर, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, पर इंजन ने इतनी हीट प्रोड्यूस करी कि उसके निशान यहीं जम ही है। एक तो ये है, एक ये है गाइस एग्जॉस्ट पे। ये तो मेरे दोस्त का जूता चिपक गया था उसकी तो मैं क्या बात करूं, पर फिर भी इंजन बहुत ज़्यादा हीट करता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हीट। इंजन में जान बहुत है वो बात अलग है, पर जो हीट है उसका कुछ कर गाइस। मेरे पास Hunter 350 का मॉडल है 2023, जब रॉयल एनफील्ड ज़्यादा डिजिटल नहीं हुआ था ना, इसमें डिजिटल मीटर है। वैसे पार्शियली डिजिटल मीटर है, बट जो भी सुई है वो दूसरी है, फिजिकल सुई है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रॉयल एनफील्ड ने अब चेंज कर दी है, जैसे कि डिजिटल मीटर आ गया है और ऐप एक्सेस आ गया है। आप ऐप से कुछ भी कर सकते हो अपने मीटर में, कहीं भी कुछ भी कनेक्टिविटी कर सकते हो,
ब्लूटूथ से कनेक्शन सब कुछ हो जाता है, पर आज तक हंटर 350 ने अपने टूल किट में चेंज नहीं किया अपनी सीट ओपनिंग। और सबसे महत्वपूर्ण बात गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ और सिर्फ हंटर 350 बाइक ऐसा है जिसकी सीट ओपनिंग काफ़ी टफ है। मैं दिखाता हूँ आपको इस वीडियो में, नहीं अगली वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ आपको हाउ टू ओपन सीट ऑफ रॉयल एनफील्ड 350 हंटर, ठीक है गाइस। और इस वीडियो को और डिटेल और लंबा ना करते हुए यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में और कुछ बचा नहीं है बताने लायक। इस बाइक का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो गोस्ट राइडर जैसा है गाइस, गोस्ट राइडर जैसा। आप पहले गियर में इस बाइक को जितना भी उठा सकते हो, जितना भी उठाना चाहो उतना ही उठ जाएगा गाइस। एक और चीज, सीट भी फट गई, सीट कवर भी नया डलवाने वाला हो गया गाइस इसका, शीशे भी टूट चुके हैं। शीशे तो मैंने आपको बहुत पहले, मैं जब स्टार्टिंग में लाया था तब मैंने लगवाए थे, उसके बाद मैंने शीशे लगवाए नहीं है गाइस। उसके बाद शीशे में बाइक के शीशे गाइस अब लगवाऊंगा, मैंने शायद ऑर्डर कर दिए हैं या नहीं किए हैं वो तो आपको पता चल ही जाएगा अगली वीडियो में या कोई भी वीडियो में। पर रॉयल एनफील्ड द्वारा ये बनाया गया बेस्ट बाइक है गाइस, जो ना ही ज़्यादा डिजिटल है और ना ही ज़्यादा पिछड़ा है, और इसमें बहुत जान है गाइस। इसकी टक्कर मैंने कई बाइक से करवाई है, बहुत ज़्यादा हैवी बाइक से, बट मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने वीडियो सिर्फ एक ही बनाई थी। अब मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा गाइस, और आपको वीडियो में ज़रूर दिखेगा हंटर एंड 350 वर्सेस क्लासिक 350, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 वर्सेस रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। और गाइस जो भी नए नए बाइक रॉयल एनफील्ड निकालेगा उनके साथ बसेस करवा दिया जाएगा हमारे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, वीडियोज़ अच्छी आ रही हैं, चैनल भी अच्छा चल रहा है, और प्लीज़ उसे आगे चलाते रहें। स्पार्क प्लग बहुत बढ़िया है इस बाइक का, इंजन बहुत बढ़िया है। ओके गाइस, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।